हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ सी प्रोग्रामिंग। आज मैं आपको एक और नया फंक्शन सिखाने जा रही हूँ और आज मैं यूज़ करूँगी पुट्स नाम का फंक्शन। और ये भी एक रेडीमेड फंक्शन है और ये स्पेशली स्ट्रिंग्स के लिए बनाया गया है। जिस तरह की आप अभी तक प्रिंट एफ यूज़ करते आ रहे थे टू प्रिंट योर आउटपुट, बिल्कुल उसी तरह ये फंक्शन काम करता है। बट द ओनली डिफरेंस इज पुट्स फंक्शन इज़ स्पेशली मेड फॉर स्ट्रिंग्स, सिर्फ स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करता है। तो स्ट्रिंग्स के ऊपर ऑपरेशंस करना बहुत इजी हो जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन बिल्ट इन। नाउ लेट अस बिगिन द प्रोग्राम। सबसे पहला स्टेप है वी राइट हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h, देन आई राइट हैश इंक्लूड conio.h। अब यहाँ पर हम एक थर्ड हेडर फाइल भी यूज़ करने जा रहे हैं। वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग रेडीमेड फंक्शंस मेड फॉर स्ट्रिंग्स, तो इसलिए मैं यहाँ पर string.h नाम का एक और हेडर फाइल इंक्लूड कर रही हूँ। एंड द नेक्स्ट स्टेप, यू ऑल नो व्हाट डू यू राइट, यू राइट void main, देन यू गिव curly brackets। यहाँ पर हम सबसे पहला स्टेप है, हम यहाँ पर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं। सो लेट अस गिव एनी नेम, राइट लेट्स राइट str, और यहाँ पर मैं इसका साइज मेंशन करने जा रही हूँ सेमी कॉलन, एंड आई एम राइटिंग clrscr। और ये किसके लिए यूज़ होता है, दिस इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन, टू क्लियर ऑल इन एनी टाइप ऑफ प्रीवियस आउटपुट्स। नाउ लेट अस बिगिन प्रिंट एफ एंटर द स्ट्रिंग एंटर किया है, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पर मैं गेट्स फंक्शन यूज कर रही हूँ। पिछले प्रोग्राम में आपने जैसे देखा था कि गेट्स यूज किया है हमने, तो नाउ लेट अस यूज गेट्स। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी स्ट्रिंग का नाम, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को रीड करवाना है, तो str की जो हमारी जो स्ट्रिंग है जिसको हमने डिक्लेयर किया है, हम उसी का नाम मेंशन करेंगे, एंड वी विल सिंपली राइट सेमी कॉलन। द स्ट्रिंग एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड इज Now I'm here going to use puts. Puts में हमने simply लिखना है string का नाम and it will be printed. Last में हम use करेंगे getch so that हमें alt plus f5 अलग से alt plus f5 ही command देकर output ना देखना पड़े। सो माई प्रोग्राम इज़ कम्प्लीट, टाइपिंग हमने कम्प्लीट कर ली है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करना है। For that, I press Control plus F9 key from the keyboard, and here is the output. तो सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है enter the string, string enter करवा दीजिए। Let us write welcome to the world of C language. Can you see the output? The string entered from the keyboard is, ये हमने already उसमें लिखवाया था, तो देखिए क्या print हो रहा है, जो हमने string enter का ये करवाई है वो enter हो गई। Welcome to the world of C language. I hope the puts function is clear to you.